समाधान 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 नमस्कार आदाब सत वेलकम वड़कम सुस्वागतम पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान मित्रों एक व्यक्ति की अपने गुरु में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी भावना थी वो अपने मित्र को भी लेकर के गुरु के पास चला गया ये सोच कर कि चलो मित्र का भी कुछ कल्याण हो जाए अब मित्र को उतनी भावना उतनी श्रद्धा तो थी नहीं फिर भी वो अपने मित्र की बात मानकर वहाँ चला गया अब गुरु जी ने कहा कि कोई संकल्प लो अब इस व्यक्ति को लगा कि भाई अब क्या संकल्प लू मैं कोई श्रद्धा भावना तो थी नहीं मित्र की फिर भी उसने हंसी मजाक में एक संकल्प ले लिया कि मेरे पड़ोस में एक किसान रहता है जो गंजा है जब तक मैं उसका गंजा सिर नहीं देख लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा मजाक मजाक में ही उसने ये संकल्प ले लिया गुरु जी के सामने अब रोज का उसका ये नियम बन गया कि जब तक वो उसका गंजा सिर नहीं देख लेता था तब तक भोजन नहीं करता था एक दिन वो गंजा व्यक्ति अर्थात वो किसान पड़ोसी दिखाई नहीं दिया अब भूख से ये व्याकुल हुआ जा रहा है दोपहर का समय हो गया क्या करे संकल्प तो ले ही लिया था हंसी हंसी में और, और, और अब ये एक नियम ही बन गया था अब वो खोजते खोजते उसको निकला कि वो कहाँ है वो किसान खेत में पहुंच गया और हुआ ये था कि वो किसान बहुत सुबह ही अपने खेत के लिए निकल गया था और हल चलाते चलाते उसे एक मटका मिला उसका हल फंसा कहीं पे उसने देखा कि क्या है तो एक मटका था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे अब वो उसे निकाल के वही खेत में बैठा हुआ था ये सोच रहा था कि इसको अब कैसे ले जाया जाए घर कहीं कोई देख ना ले अब ये उसका पड़ोसी अब ढूंढते ढूंढते खेत तक पहुंच गया और जैसे ही उसने उसका गंजा सिर देखा भूख से व्याकुल तो था ही वो तो जैसे उसका गंजा सिर दिखाई दिया ये खुशी से उछल पड़ा और बोला देख लिया देख लिया देख लिया अब उस गंजे किसान को लगा कि शायद मेरे इस पड़ोसी ने इस धन के साथ मुझे देख लिया मुझे मिला है तुम शोर मत मचाओ ठीक है तुमने देख लिया अच्छी बात है आधा आधा हम इसमें से कर लेंगे ताकि ये धन हमारे पास ही रहे राजा के पास ना पहुंच जाए तो मित्रों देखो एक संकल्प गुरु के द्वारा दिया गया एक संकल्प या गुरु के सामने लिया गया एक संकल्प हमें इतनी संपत्ति दिला सकता है तो ये बोध कथा लेकिन फिर भी जब हमें इतना माला माल कर सकता है एक संकल्प उनकी आज्ञा का एक पालन तो सोचें कि परम सदगुरु की यदि हर आज्ञा का पालन हम करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा हम न केवल स्थूल धन से लेकिन आंतरिक रूप से भी बहुत सारी खजानों से बहुत सारी वरदानों से भरपूर हो जाएंगे ये सचमुच विचारणीय बात है आई इसी बोध कथा के साथ के संबंध को आगे बढ़ाते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय जी का जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है थैंक यू भ्राता जी ऐसे ही विचार और संकल्प गुरु के सामने ले लिए जाए परम सदगुरु जिनकी बात आप लगातार कर रहे हैं कि उनकी आज्ञा यदि हम माने क्योंकि ये भी बात हमारी लगातार होती रही है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते तो परम सतगुरु की यदि मानने लगे तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और देखिए परम सतगुरु तो एक ही वचन चाहते हैं जी संकल्प चाहते हैं क्योंकि सदगति का मार्ग भी वही है और भारत को भरपूर करने का मार्ग भी वही है और वो है प्योरिटी पवित्रता जी तो अगर हम भगवान से अपना परम सदुरु का नाता जोड़ते हैं तो उसकी प्रथम आज्ञा हमारे लिए होती है, बी प्योर, बी होली. तो जो आत्माएं संकल्प ले लेती हैं कि भगवान की आज्ञा है उसकी आज्ञा है जिसकी आज्ञा मान लेने के बाद सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो बात यहाँ की धन संपदा की नहीं हमारे जन्म जन्म पूर्ण हो जाएंगे चाहे धन धान्य से चाहे श्रेष्ठ स्वास्थ्य से चाहे खुशी से शांति से प्रेम से जो स्थूल खजाने हैं वो भी भरपूर और ये जो सूक्ष्म खजाने हैं सुख शांति प्रेम इनसे भी हम भरपूर हो जाएंगे वास्तव में भगवान सदगुरु बनकर आया है हम सबकी सदगति करने के लिए और सदगति का उसने एक ही सुंदर मार्ग दिखाया है बी प्योर मतलब पवित्रता का जैसे इन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि गंजा सिर देखूंगा वैसे ही एक संकल्प ले लिया जाए कि हम भी अपने जीवन में रता तो पार पार। जी एक बात कल आपने कही थी कि वो हमें एक मंत्र देते हैं मन मनाभाव का ये मन मनाभाव शब्द संभवतः गीता में भी आया हुआ है तो इसका यथार्थ भाव क्या है मन मनाभाव का मन मेरे में लगाओ तो हम अपनी मन बुद्धि को परमात्मा में जो परम है उसमें लगा दें तो इससे हम पावन भी बन जाते हैं और घर बैठे अनुभूति भी करते हैं तो इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं बाकी मंत्रों में तो मंत्रों का जाप होता है और मैं हंसी की एक बात सुना दूं बहुत साल पहले तीस साल पहले एक विदेशी हमारे यहाँ आया अमेरिका का तो ये मंत्र की बात आई मुरली में तो उसने कहा मुझे भी मेरे गुरु ने मंत्र दिया था जो गुरु भारत से गया था और कहा था ये मंत्र किसी को बताना नहीं पर अब क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पर चल चुका हूँ मंत्र का मेरे लिए कोई महत्व नहीं मैं बताता हूँ और उसका मीनिंग जानना चाहता हूँ कि संस्कृत मंत्र है इसका आखिर हिंदी या इंग्लिश में इसकी व्याख्या कर दो मुझे तो मुझे बड़ी खुशी होगी तो उसे पूछा मंत्र क्या था जो गुरु ने दिया तो सभी हंसेंगे इस मंत्र को सुन के उसने सुनाया वो मंत्रता <laughs> <laughs> तो तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता जो तुम रोज खाते हो वहाँ खिलाई जा रही थी कि यही तुम्हारा मंत्रता जाओ कहते जी हमारी माता श्री ने भी गुरु जी किए हुए थे और जब वो दीक्षा लेके आए तो हम लोग भी बच्चे थे तो हम उन्हें परेशान करते थे हमने उन्हें कहा कि बताइए आपको क्या गुरु मंत्र मिला वो भी नहीं बताती थी तो ऐसा क्यों है जी कि जब गुरु मंत्र देते हैं तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये किसी से मत बताना अपने तक ही सीमित रखना बल्कि मंत्र तो ऐसा होना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो और सबको बताया जाना चाहिए जैसे परम सदगुरु ने मंत्र दिया तो कहा सारे संसार को सिखा दो जी जी लेकिन एक तो गुरुओं के मंत्र ऐसे ही होते होंगे दूसरा कोई भी चीज गुप्त रखने से उसकी शक्ति बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, है। लोग भी जरा सरप्राइज में रहते हैं पता नहीं कितना बड़ा मंत्र मिला हुआ कितना गहरा मंत्र मिला हुआ है, है। पता नहीं ये कुछ कर न दे हमारा उनसे डर के भी रहते हैं है। इसलिए <laughs> और फिर गुरु क्या है कि एक ही मंत्र अनेकों को भी दे सकते हैं इसलिए वो कहते हैं किसी को बताना नहीं तो हर एक को अलग अलग मंत्र देना पड़ेगा अच्छा जी एक चीज विशेष चलिए गुरुओं की बात से हम सद पे आते हैं सदगुरु के लिए ये कहा जाता है गायन है शास्त्रों में कि वो नजर से निहाल करते हैं कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु शायद ऐसा कुछ वाक्य आता है तो जब परमात्मा जो परम सदगुरु हैं वो निराकार हैं, तो ये नजर से निहाल करने का भाव फिर क्या हुआ ये बिल्कुल सत्य है और हमने तो परम सदगुरु को नजर से निहाल करते हुए देखा है लाखों आत्माओं को उसने नजर से निहाल कर दिया है तो नजर तो क्योंकि देह में होती है देह के अंदर आत्मा बैठी है यहाँ वैसे ही देह में परम आत्मा भी आकर बैठ जाते हैं तो पहले ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर बैठते थे और सबको दृष्टि देते थे और उस दृष्टि से जो पावरफुल वाइब्रेशंस मिलते थे उससे अनेक आत्माएं पावन बनी उससे अनेक आत्माएं निरोग बनी उसे अनेकों के विघन नष्ट हुए मेरा लंबा चौड़ा बुखार बाबा की दृष्टि पड़ते ही ठीक हो गया तो बाबा यानी शिव बाबा यानी परम सतगुरु उसको हम बाबा कह रहे हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी और जिस विचार से जिस संकल्प से वो दृष्टि डाल देंगे सामने वालों पर बस वही हो जाएगा तो परम सदगुरु दृष्टि डाल कर सभी को निहाल कर देते हैं माना दुखों से मुक्त कर देते हैं निहाल करना माना उनके चित्त को शांत और एकाग्र कर देते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें दृष्टि देते हैं और उसके माध्यम से जो निहाल होने वाली जो बात और जब प्रजापिता ब्रह्मा दैहिक रूप से यहाँ नहीं रहे तो गुलजार दादी जो सीनियर मोस्ट और मोस्ट प्योर सोल है उनके तन में प्रवेश करके शिव बाबा परम सतगुरु हम सबको दृष्टि देते रहे हैं और वो दृष्टि फैलते हैं पूरा हॉल एनर्जेटिक हो जाता है मैं कभी कभी सोचा करता हूँ हमारी सभा में तीस हजार लोग बैठे हैं और जब शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आकर दृष्टि दे रहे हैं सबको तो ऐसी पिनड्रोप साइलेंस है मतलब जो मन को बड़ी लुभाती है मन को बड़ी आकर्षित करती है लगता है बस हम निहाल हो गए हम तृप्त हो गए उस नजर को पाकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई बस पाना था सो पा लिया यह नजर से निहाल जी 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 मतलब एक भरपूर कर देते हैं परमात्मा परम सदगुरु अपनी नजर से अपनी दृष्टि से तो क्या प्रता जी फिर से वही बात जो लंबी हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है और शुरुआत जहाँ से हुई थी कि परमात्मा मिलन वाली जो बात है क्या हमारे दर्शक भी इस नजर को इस नजर को पाके निहाल हो सकते हैं अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं दो स्वरूप हैं इसके एक तो वो यहाँ पर आए जहाँ से बाबा अभी भी आते हैं पर उनका ये पाठ समाप्ति की ओर है क्योंकि उन्होंने अपना कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है अब ये युग बदलेगा और उन्होंने वो सब तैयारी कर दी है जो सतयुग में देवताओं को चाहिएगी तो जो यहाँ आएंगे वो यहाँ उनकी नजर से निहाल होंगे लेकिन यहाँ आने की तो बहुत सारी शर्तें हैं एक वर्ष तक पवित्र जीवन जीना होगा जो सब ज्ञान योग की धारणाएं हैं वो अपनानी पड़ेगी उसकी, चर्चे हम उसकी चर्चे चर्चा हम हम कर चुके हैं वो सब अपना के कोई यहाँ आ सकता है लेकिन जिसने राजयोग सीख लिया हो वो रोज सवेरे अमृत वेले जब योग युक्त होंगे तो सूक्ष्म लोक में जाकर जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान हैं वहां उनसे दृष्टि प्राप्त करेंगे ये राज्य की एक बहुत सूक्ष्म विधि है और उसका भी वही अनुभव होगा जो यहाँ का होता है तो ये भी रोज सवेरे यहाँ तो वो साल में एक बार आएंगे लेकिन ऊपर जाकर सूक्ष्म लोक में जाकर जो फरिश्तों की दुनिया है रोज उस नजर से निहाल हुआ जा सकता है तो क्या कोई विशेष वक्त है ऊपर जाके उनसे नजर से निहाल होने वाली हाँ ये वक्त है, है ब्रह्म मुहूर्त की सवेरे तीन बजे से ले लीजिए और पांच बजे तक के मध्य में कभी भी ये सुंदर अनुभव किया जा सकता है जी ब्रता जी एक विशेष चीज जो मैंने यहाँ देखा है कि सदगुरुवार को विशेष भोग लगाया जाता है उस परम सदगुरु को तो क्या सदगुरुवार का भी विशेष महत्व है और इस दिन क्या विशेष रूप से सदगुरु कोई वरदान देते हैं देखिए सदगुरुवार सिद्ध करता है कि ये सदगुरु से जुड़ा हुआ दिवस है यु तो सारे ही दिन अच्छे हैं संडे को सूर्य का दिवस मंडे को शिव का दिवस ये सब भारत में तो मान्यता है यानी हर चीज को महत्व दिया गया है एवरी टाइम इज द गुड टाइम तो ये जो सदगुरुवार है थर्सडे ये परम सदगुरु से ही जुड़ा है इसलिए हमारे इस विश्वविद्यालय में सभी जगह रोज सवेरे कहीं छह बजे कहीं साढ़े सात बजे ये परम सदगुरु को भोग लगाया जाता है अर्पित करते हैं हम पवित्र भोजन बनाकर उसको तो ये एक भावना है कि परम सदगुरु को भोग देंगे तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जैसे हमारे प्यार और भावनाओं को वो स्वीकार करते हैं भोजन के लिए तो वो अभोगता है लेकिन उसकी रसना अवश्य लेते हैं जैसे उसका टेस्ट उन्हें प्राप्त हो जाता है मन से या दृष्टि से वो उसे स्वीकार कर लेते हैं ठीक है तुम बच्चे मेरे लिए ये भोग लाए हो मैंने इसको स्वीकार किया अब तुम सब मिलकर इसे स्वीकार करना और इससे अनेक प्राप्तियां लोगों को होती हैं इस अनुभव को भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि, कि किस प्रकार आपका ये जो परम सतगुरु का नाता है वो रहा है और कौन-कौन सी विशेष वरदान परमात्मा ने परम सदगुरु के रूप में आपको प्रदान किए मुझे 68 में ही जब मैं बाबा के पास आया था जून का मास था जी। और जब बाबा से मिले तब अलग अलग मिलते थे क्योंकि मिलने वाले बहुत थोड़े होते थे रोज बाबा के सामने 20-25 लोगों को मिलना है तो कुछ भीड़ भाड़ नहीं होती थी एक एक से बाबा बहुत अच्छी तरह मिलते थे ब्रह्मा बाबा बैठे होते थे उनके तन में शिव बाबा आ जाते थे बाबा ने मुझे दृष्टि दी और पहला अनुभव मैं विदेही हो गया बॉडी लेस हो गया और इसने मुझे मग्न कर दिया एक लंबे समय तक के लिए बस वहीं से मैं नजर से निहाल हो गया और मुझे यह आभास हुआ कि परम सदगुरु ने निरंतर योगी भव का वरदान मुझे वहीं दे दिया मैं बहुत लंबा समय मग्न रहा ऐसे वरदान मुझे कई बार मिले हैं श्रेष्ठ पवित्र भव का वरदान भी योगी भव निरंतर योगी भव का वरदान भी और ऐसे कई वरदान मिले हैं जिनको लोग सिद्धियां भी कहते हैं जिन्हें तो गुप्ति रखना चाहिए हम पहले चर्चा कराए परंतु वो सब प्राप्त हुए हैं और मेरा जीवन उससे भरपूर है और मैं उनको यूज होते भी देखता हूँ कि कैसे बिना मेरी मेहनत के वो वरदान मुझे सफल कर रहे हैं हर फील्ड में तो परम सदगुरु का जीवन में बहुत सुंदर अनुभव हुआ है सचमुच जैसे बाबा हमें अपने फॉलोवर्स तो नहीं कहते बच्चे ही कहते हैं लेकिन हम उनको फॉलो तो करते ही हैं तो जब हम उनसे सदगुरु का सच्चा नाता जोड़ लेते हैं दिल से तो उन्हें फॉलो करना बिल्कुल सरल हो जाता है बहुत सारी उनकी चीजें हम जीवन में अपना लेते हैं तो सचमुच मुझे इस बात का नशा रहा था जैसे हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि कोई किसी बड़े गुरु का शिष्य हो तो नशे से कहता है मैं फलाने का शिष्य हूँ तुमने क्या समझाया है तो मुझे भी नशा रहता था मैं परम सदगुरु भगवान का शिष्य हूँ क्या समझाया तुमने उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं उसने अपने सारे वरदान मुझे दे दिए हैं शक्तियाँ भी बहुत मिली हैं परम सदगुरु के नाथ ये विशेष बात है कि वो अपनी शक्तियाँ विशेष रूप से जिसको ब्लेसिंग्स कहते हैं ब्लेसिंग्स वो ये नहीं देते कि ऐसा हो जाओ वो ब्लेसिंग देते हैं शक्तियों के रूप में मदद के रूप में अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन के रूप में तो उनका जीवन में बहुत सुंदर अनुभव हुआ और मैंने देखा कि मेरी ये पचास साल की अलौकिक यात्रा लौकिक तो ज़्यादा है ये अलौकिक यात्रा बहुत सुखद बीती बहुत निर्विघन बीती मैं भी कभी कभी कर सोचा करता हूँ यहाँ पचास साल बीत गए मेरे ज्ञान योग करते हुए वो अच्छे दिन दिन वैसे फटाफट फटा फटा तो मैं सोचता वाह ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है सेवाओं में दिन गुजरे परमात्मा मिलन में दिन गुजरे उसके श्रेष्ठ ज्ञान के चिंतन में और उसको देने में दिन गुजरे लोगों की भलाई में दिन गुजरे तो ऐसा लगता है हमारा तो ये अंतिम जीवन संपूर्ण रूप से सफल हो गया जी 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 और परम सदगुरु के सानिध्य में रहना उनकी आशीष में पलना वरदानों में पलना इससे बड़ा भाग्य तो मुझे लगता है संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता हर एक आत्मा चाहेगी कि हम भी ऐसा भाग्य अवश्य प्राप्त करें प्रति जी क्या कुछ विशेष जैसे आपने कहा योगी भाव का वरदान परमात्मा ने परम सदगुरु ने आपको दिया क्या कुछ विशेष करना पड़ा जैसे होता है कि कई बार हम कुछ करते हैं जिससे खुश होकर के परम हमें वरदान दे देते हैं क्या ऐसा कुछ एफर्ट करना पड़ा या फिर सहज रूप से आप उनके सामने गए और ये वरदान प्राप्त नहीं गया। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है बिना कुछ किए तो कुछ मिलता नहीं है यूं तो परम सदगुरु हम सबसे सदा ही प्रसन्न रहता है लेकिन मैंने दोनों फील्ड में देखा कि कुछ मेहनत तो की गई मैं अब ये नहीं कहूंगा मैंने की क्योंकि इसमें भी मनुष्य का सूक्ष्म अभिमान आ जाता है पर अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो सब काम मैं नेचुरल रूप से करता था जैसे यज्ञ की भोजन की जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं उसको पूर्ण रूप से निभाता था मैं सोचता था कि हमारी दादी थी प्रकाशमणि वो हेड होती थी चीफ थी और डायरेक्ट हमारा भोजन डिपार्टमेंट उनसे ही जुड़ा रहता था दादी बहुत बार आती थी हमें सिखाती थी तो मेरा लक्ष्य रहता है कि दादी जी को बहुत बहुत सारे कार्य होते हैं मैं अपने कार्यों से उन्हें बिल्कुल निश्चिंत रखूंगा और इस कार्य में हम पूर्ण रूप से सफल हुए और एक ये लक्ष्य रहता था कि जिस यज्ञ ने हमारी पालना की जो हमारी पालना कर रहा है जिस यज्ञ ने हमें छोटे से बड़ा किया जिस यज्ञ का हमने रोज अन्न खाया है तो उसको हम सफल करेंगे रात को भी कोई सेवा आ जाए चाहे बारह बजे तो मेरा नियम ही था मैं अपने जीवन में ना नहीं करूंगा सेवाओं के लिए तो दादी जी इस बात से बहुत खुश रहती थी और दादी नहीं किसी का है। जी। वो रहता था। तो हमें इस कारण से से बाबा मिलने का भी बहुत तो भाग मिला कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था न हमें संकल्प था मुरली पूरी हुई और बाबा लास्ट में कहते हैं आज बाप दादा ऊपर वतन में उन्हें याद किया था जो साकार में बाप के साथ रहे हैं तो आज बाप दादा भोलेनाथ के भंडारे वालों से भी मिलेंगे हम तो आश्चर्यचकित एकदम रौनक छा जाती थी भागे भागे आते थे किचन में हम थोड़े से ही होते थे भोली दादी होती थी कहते थे चलो चलो बाबा ने बुलाया है हम पांच सात बस और हम बड़े आनंद पूर्वक जाते थे और बाबा से इस तरह बहुत सुंदर मुलाकातें हुई उसमें केवल मुलाकातें ही नहीं कई बार बहुत वंडरफुल वरदान जैसे मिले मैं एक बात सुना जो बाबा ने मोटिवेट किया हमें बहुत एनकरेज किया तो एक बार ऐसे ही अभियक्त बाबा ने याद किया नाम से ही याद किया सूर्य को बुलाओ तो बाबा जाने वाले थे लास्ट समय था वो समय भी दस के दस साढ़े दस के आस पास ही होता था तो हम तो लेट गए थे क्योंकि हमारा कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं था तो हम दो भाई होते थे मैं और वल्लभ भाई हम वैसे ही सोल वोल ओढ़ के अपने बाप के पास जा रहे और भागे भागे पहुंच गए जी हमारा श्वास भी चढ़ रहा था बाबा के सामने बैठे बाबा ने कहा बैठो बैठो आराम से बैठो बाबा ने हमें नॉर्मल होने दिया और फिर दृष्टि दी बहुत अच्छी और फिर मेरे से पूछा मैं से बहुत प्यार था बाबा का हम वैसे भी छोटे ही थे पूछा के किचन में काम करते हुए लज्जा तो नहीं आती देखिए एक बात सुना रहा हूँ जो बहुत सुंदर है तो मैंने कहा नहीं बाबा लज्जा नहीं आती आपने सेवा दी है और ये तो हमारे घर की सेवा है भोजन बनाना हर घर में भोजन बनता है उसमें लज्जा क्या बात बड़े से बड़ा आदमी भोजन बनाता है और हम तो यज्ञ के पवित्र ब्राह्मणों के लिए भोजन बना रहे हैं पवित्र बना रहे हैं तो बाबा ने कहा कभी सोचना नहीं योगयुक्त भोजन अगर एक बार बनाया जाता है तो मेरे से पूछा कितने हैं आजकल यहाँ मैंने कहा बाबा 250 हैं तो कहा कि एक बार अगर प्रेम से और योग होकर भोजन बनाया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना एक हजार लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का हम तो आनंदित हो गए तो कहा इसलिए कुछ सोचना नहीं तो मैंने ये बात बताई कि कैसे वो प्रसन्न होता था हम राजी होकर और न जाने अंदर ही अंदर क्या दे देता था हमें वो तो हमें पता नहीं चलेगा ना यह भी बहुत बार अनुभव हुआ अब पता चलता है परम सदगुरु ने अंदर ही अंदर हमें बहुत कुछ दे दिया था तब हमें पता नहीं चला था पर दे दिया ऐसे ही योग के फील्ड में मेहनत की वो मैंने पीछे अनुभव में भी सुना दिया इशारों में थोड़ी थोड़ी बातें मेहनत के बाद परम सदगुरु प्रसन्न हो गया और स्मृति स्वरूप होने का वरदान दे दिया योग की जो एक श्रेष्ठ स्थिति होती है वो है स्मृति स्वरूप हो जाना उस पर कभी हम चर्चा करेंगे तो बाबा से परम सदगुरु से नो no डाउट बहुत अच्छे अच्छे वरदान मिले जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है आपके अनुभवों को सुन के और ऐसा लग रहा है हम भी परम सदगुरु के नजदीक पहुँच गए हैं और वही दृष्टि वही वरदान हमें भी प्राप्त हो रहा है प्रति जी क्या आपने इतना लंबा वक्त परमात्मा के साथ इस संबंध से निभाया है कई लोग ये कहते हैं कि सदगुरु कई बार बिल्कुल चमत्कार कर देते हैं किसी के जीवन में तो क्या कभी कुछ ऐसा बड़ा सा चमत्कार होता दिखा किसी के जीवन में कि बिल्कुल ही कोई निराशा के गर्द में हो और आशा की किरण फूट पड़ी हो या कुछ ऐसा जो लोग कहते हैं कि सचमुच जैसे सदगुरु का वरदान प्राप्त हो गया या चमत्कार सा हो गया देखिए ऐसे अनुभव तो सारे संसार में बहुत ही से बाबा के बच्चों को हैं और कभी कभी मैं वो अनुभव सुन के सोचा करता हूँ अगर ये लिख दिए जाएं तो संसार के सारे चमत्कार एक तरफ और ये बाबा के बच्चों को होने वाले चमत्कार एक तरफ ये भारी पड़ेंगे तो ऐसी अनेक चीज थी कि बाबा की दृष्टि पड़ी और बड़ा बड़ा रोग भयानक रोग ठीक हो गया हमें वो लोग अनुभव सुनाते रहे लेकिन तब ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें उनका हुँ। लिखें हुँ। इसको छपाएं लेकिन ऐसी बहुत सारे अनुभव लोगों के आते रहे कि चाहे उनको बीमारियां थी चाहे उनकी बड़ी नौकरी छूट गई थी चाहे वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे चाहे बहुत बड़ी बाधा उनके सामने आ गई थी वो सब समाप्त हो गया परम सदगुरु की आज्ञा से एक जगह गांव में ऐसा हुआ हमारे रिलेशन में है वो जी। तो कोई सीमेंट बेचने आया और इन्होंने अपना सीमेंट ले लिया एक दो ट्रक एक दो वो ट्रॉली जो होती है छोटी वो था अब ये ले लिया तो वो किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि इनके पास सीमेंट आया है पुलिस आ गई और वो सीमेंट था चोरी का वो कोई चोरी करके ले आए थे चोर होते हैं ना उन्होंने <laughs> सोचा ये गांव में है यहाँ तो कोई आएगा नहीं इनको बेच जाओ थोड़ा सस्ता देख के उन्होंने लालच में ले लिया अब वहां पुलिस ही पुलिस चारों ओर पुलिस आ रही और सायरन बज रहे और गाँव के बाहर आके पुलिस ठहर गई अब उन्होंने योग किया अच्छा कि बाबा हमारा तो कोई दोस्त नहीं हमने चोरी की हमने तो पैसे भी दिए ठीक है कम दिए हैं अब पुलिस अगर आ जाती है तो भले ही सीमेंट तो चला जाए लेकिन बदनामी होती है बहुत ज्यादा इसलिए पुलिस को रोको और बस पाँच मिनट के बाद ही ऊपर से एस का फोन आया इंस्पेक्टर को कि वापिस आ जाओ और वो सब वापिस चले गए सारे गांव के लोग हैरान हो गए और मान गए कि भाई ये जो ब्रह्मा कुमार है ये गांव का तो प्रधान भी टाइम तो ये सचमुच इनके पास योग की शक्ति है देखो घर तक आई हुई पुलिस वापिस लौट गई सायरन बजाते हुए आ रहे थे जोर से सब घबरा गए थे कि तीस चालीस पुलिस कर्मी और बंदूक के लिए हुए कहाँ पहुंच रहे हैं और सबको पता चल गया था वो वापिस हो गई ऐसे अनेक चमत्कार होते रहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो अनुभव होते हैं जी बहुत प्रेरित करते हैं शक्ति देते हैं क्योंकि जब हम अनुभव सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच परमात्मा कितना कुछ करते हैं हमारे लिए तो लगता है कि हाँ सचमुच वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं वृता जी आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा और चाहूंगा कि कल हमें ये जरूर बताएं कि कैसे हम लोग उनके नजदीक पहुंचे और साथ ही इस संबंध से हमारी वार्ता कैसे हो सकती है उनसे आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों आप भी आनंदित हो रहे होंगे निश्चित रूप से गदगद हो रहे होंगे मैं तो ये कहूँगा क्योंकि सचमुच अंतर बहुत भाव से भर जाता है जब हम परम सदगुरु परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि वही एक ऐसे हैं जिनसे हमारे जन्म जन्मांतर के नाते हैं अभी शरीर का जो नाता है वो तो शायद इसी जन्म का है लेकिन परमात्मा से तो हमारा जो नाता है चाहे वो पिता के रूप में हो माता के रूप में हो चाहे शिक्षक के रूप में हो या सदगुरु के रूप में हो जन्म जन्मांतर का है इसीलिए जब उनकी बातें होती हैं तो गदगद -गद सा महसूस करते हैं हम बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और लगता है कि सचमुच वही हैं जो सदा से अनंत काल से हमारे साथ साथ हैं और वो जो देना चाहते हैं ना शायद हम लोग ले नहीं पाते इसीलिए इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि कैसे हम उनसे सब कुछ ले लें क्योंकि जो वो मदद दे रहे हैं जो कृपा कर रहे हैं हम पे जो आशीष कर रहे हैं उसे यथार्थ रूप से यदि हम समझ पाएंगे तो सचमुच हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ और बहुत धन्य हो जाएगा तो जैसे गुरुकुल में पहले के जमाने में बच्चे बिल्कुल अपने गुरु के पास जाके समर्पित हो जाया करते थे अर्पण हो जाया करते थे हमें भी अपने मन और बुद्धि को शायद उनके आगे अर्पण करने की जरूरत है ताकि हम उनके वरदानों को अपने जीवन में शामिल कर सकें कैसे उनके और नजदीक पहुंचे और साथ ही कैसे उनसे हम बातें करें कैसे हम उन्हें सदगुरु के संबंध से याद करें इस विषय पर कल थोड़ा और प्रकाश भ्राता जी के साथ लेंगे आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार